उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। दो तस्वीर में बाबा के रसूख और राजनीतिक संरक्षण की कहानी समझिए। पहली तस्वीर भगदड़ से ठीक पहले की है, जब लाखों की भीड़ कार्यक्रम स्थल से लेकर सड़कों पर थी, लेकिन जब किसी ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो बाबा के सेवादार वीडियो बनाने वाले को धमकी देने लगे। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जो भगदड़ के ठीक बाद की है, जिसमें बाबा नारायण साकार काफिले के साथ सफेद कार से फरार हो रहा है। अब बाबा के इसी सियासी कनेक्शन और संरक्षण पर कल सीएम योगी ने भी सवाल खड़े किए थे, जिस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। सीएम योगी जहां मौत पर सियासत करने वालों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं उन सवालों के जवाब भी तलाश रहे हैं, कहीं ये हादसा साजिश तो नहीं।